नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं चेफ का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंटीरियर गैस के कनेक्शन के बारे में, वायरिंग के बारे में, इसमें कौन सी मोटर यूज होती है, कौन सी गैस रेगुलेटर यूज आता है और इसकी पूरी डिटेल्स किस चीज में बना होता है, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को बराबर देखते रहिएगा। इसमें सिंगल फेज की कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं, कनेक्शन कनेक्ट करते हैं। जी हमने स्टार्ट कर दिया है, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हमारा टेम्परेचर बताएगा जो अभी एट ए टाइम इसके अंदर कितना चल रहा है टेम्परेचर, और यहाँ से हम मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, कितनी स्पीड में हमारी मोटर को चलाना है, नहीं चलाना है। अब हम हमारे कन्वेयर बेल्ट को चला के देखते हैं। चल ये हमारे जैसे हम यहाँ से हमारी बेल्ट को स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे बेल्ट की स्पीड जैसे ज़्यादा हो जाएगी और हम धीरे इधर इधर घुमाने से धीरे हो जाएगी, और हमें इसे रिवर्स में चलाना है तो इस बटन को नीचे वाली साइड में दबा देंगे, ये रिवर्स में चलने लग जाएगी बेल्ट पीछे। यदि हम वापस नीचे करेंगे तो ये आगे की तरफ चलेगी। इंजन के अंदर हाई प्रेशर रेगुलेटर काम में आता है, तो इस प्रकार दिखता है। चलो अब हम इसका कनेक्शन कर देते हैं हमारे गैस सिलेंडर पे। कनेक्शन को सावधानी से पूरे तरीके से कीजिएगा क्योंकि रिस्क हो सकता है। अब हम आगे बताएंगे आपको कि हम इधर से हमारे पिज्ज़ा को रखते हैं और इधर से निकलता है, हम इधर से रखते हैं और उधर से निकलता है हमारा पिज्ज़ा। तो हमारे यहाँ पे जो सामान टॉपिंग्स होती हैं वो डस के या फिर नीचे गिरते हैं, तो हमने ट्रे लगा रखी है, तो हम ट्रे को टाइम टाइम पे हमें क्लीन करते रहना चाहिए। इसलिए ट्रे को क्लीन रखेंगे तो हमारे यहाँ पे इसमें स्मेल वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। ट्रे को इंसुलेशन का ऐसा कुछ भी नीचे रखती है, नीचे आपको हर दिन दिन में दो तीन बार साफ कर दोगे तो बेहतर रहेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको इसके अंदर जो मोटर यूज आती है, जो इस बेल्ट को घुमाती है, जैसे कि हम हाथ में यूज कर रही है, जैसे हमारी बेल्ट चल रही है आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो इसके अंदर जो गियर मोटर होती है, ये गियर मोटर इसके अंदर लगी होती है, 25 वाट की होती है और सिंगल फेज 1440 आरपीएम की होती है। पर इसके अंदर जो गियर बॉक्स होता है, ये इसके जो रोटेशन होते हैं इसको कम कर देता है, तो इसके अंदर ये भी सिंगल फेज मोटर होती है। अब जैसे कि हम आपको बताएं कि अब जब से हम चलाते रहते हैं चीज को, ओवन को, तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद में जो बेल्ट बेल्ट है ये ढीले हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं गियर जैसे कंटिन्यू खींचते रहते हैं तो ये बहुत ढीली हो जाती है कभी कभी बेल्ट। जैसे कि अभी ये हल्की सी इतनी तो चलती है क्योंकि ये इतना खिंचाव तो ये गियर भी करेगा, तो इतना तो ठीक है, नॉर्मल है। पर यदि इससे ज़्यादा ढीली है, एकदम टच हो रहे हैं, तो बेहतर होगा आप एक इस टाइप पे इसके अंदर ये होते हैं ये एक निकाल दो, एक कड़ी निकाल दो इसकी। कड़ी निकालने से ये होगा कि ये थोड़ी सी टाइट हो जाएगी आपकी बेल्ट, तो बेहतर परफॉर्म करेगी, एक कड़ी निकालना सही रहेगा। तो अभी हम आपको इसे ऑन करके इसका टेम्परेचर 250 डिग्री तक या फिर 220-230 तक जितना हमारा पिज्जा बेक हो जाता है हम उस टेम्परेचर तक लेके जाएंगे इसको। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, अभी इसका टेम्परेचर अभी आपको दिखा देंगे। अभी इसका टेम्परेचर है 40, अभी धीरे 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 बढ़ता बढ़ता ही हमने 300 सेट कर रखा है, पर हम 300 तक रीच करवा देंगे इसे। अभी हमारा टेम्परेचर है 40,
देखते हैं, अभी आपके सामने बढ़ जाएगा धीरे धीरे। और इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं, और दो पत्ती उधर आती है। मुझे गर्म महसूस होने लग गया है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। अभी आप देख रहे हो हमारा टेम्परेचर 163 तक पहुँच चुका है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि 300 डिग्री सेट कर रखा है हमने, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे 250, 200, आपको जितना चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हो। जैसे अब ये बेल्ट सीधा चलता है, आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हो। मान लो आपका पिज्ज़ा फंस गया या फिर कुछ ज़्यादा नहीं पका, आपने ज़्यादा तेज बेल्ट कर रखी थी, तो आप रिवर्स करके हल्का सा पिछले लें फिर वापस चला सकते हो। तो आपका पिज्ज़ा आपको आप अपने अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से बेल्ट कर पाओगे। मैं अभी आपको ओवन के बर्नर और दिखा देता हूँ जहाँ पे हीट निकलती है। ये आपका एक इधर वाले पार्ट में आपका एक हीट में इधर से गैस आती है, इधर जो हमारा हीट चैम्बर होता है वो होता है। अभी आप देख लो इधर वाली साइड से, इसके अंदर से जो हीट निकलती है ऊपर आती है, फिर ये दो इंच में डिफरेंस होती है तो डिवाइड कर देती है गैस को। आधी हवा ऊपर से जाती है, आधी हवा नीचे से जाती है। फिर जो हमारा पिज्ज़ा होता है, पिज्ज़ा बेल्ट के ऊपर चल रहा होता है, तो उसके ऊपर से भी हवा लगती है पिज्ज़ा के ऊपर और उसके नीचे से बेल्ट के ऊपर, तो दोनों तरफ से बराबर वेकिंग होती है। ये इस मैकेनिज्म से काम करता है कन्वेक्शन के हिसाब से। अभी आप देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर 250 पहुँचने वाला है। 250 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है एक पिज्ज़ा को पकाने के लिए, पर हमने चाहे 300 कर रखा है, हम इसे कम कर देते हैं, जिससे 250 पे ऑटोमेटिक कट ऑफ कर जाएगा। यहाँ से हम इसे सेट कर सकते हैं हमें कितना टेम्परेचर चाहिए। ये मैंने इसका 250 सेट कर दिया। जैसे ही 250 है मेरे बर्नर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इससे क्या रहेगा कि जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये उतना गैस लेगा, उसको जलाएगा और टेम्परेचर तक लाएगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इससे आपकी गैस की बचत होगी, में फ़ायदा रहता है आपको। जितना टेम्परेचर चाहिए आप उसके बाद में ऑटोमेटिकली कट ऑफ करता रहेगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।